15 अप्रैल तक केजरीवाल को जेल, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई। रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया। केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेजा गया है। 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में रहेंगी केजरीवाल। हालांकि ईडी ने पहले भी ये कहा था कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं केजरीवाल। अब फिर से ईडी का ये बात कहना कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल से अगर कोई भी सवाल किया जाता है तो वो या तो ये कहते हैं कि पता नहीं, या फिर सीधे सीधे सवालों के जवाब वो नहीं दे रहे हैं। ये बातें ईडी की तरफ से कही गई हैं कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं केजरीवाल। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन के आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन के आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी होती है क्योंकि रिमांड जो है वो 1 अप्रैल को खत्म हो रही थी। अब ऐसे में ईडी ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया। केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेजा गया है। अब वो तिहाड़ जेल में रहेंगे 15 दिन के लिए। 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में रहने वाले हैं केजरीवाल। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए 15 अप्रैल तक के लिए केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है। ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि हम इसी मुद्दे पर लगातार बात भी कर रहे हैं कि केजरीवाल को किस प्रकार से जेल भेजा गया है, लेकिन बार बार ईडी की तरफ से ये बात कहना कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, पहले भी कहा गया, अब फिर से कहा गया, ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी सवाल उनसे किया जाता है तो वो सीधा बोलते हैं पता नहीं। जी बिल्कुल साधना, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार ईडी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो समन की बात हो या फिर जब वो ईडी हिरासत में हो, तो लगातार ईडी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि कोई भी सवाल जब उनसे पूछा जाता था तो स्पष्ट रूप से उसका जवाब नहीं दिया जाता था अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और साफ तौर से जब डिजिटल इन्फॉर्मेशन की भी बात सामने आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने अपने आईफोन का पासवर्ड देने से मना कर दिया था, जिसको लेकर ईडी ने कहा कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं किया जा पा रहा है। जिसको लेकर हाल ही सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी कि ईडी ने एप्पल कंपनी को कॉन्टैक्ट किया था, जिसे कहा गया था कि इस पासवर्ड को ब्रेक किया जाएगा। इस मुद्दे को ईडी ने पिछली बार भी जब पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी अरविंद केजरीवाल की, तब भी इस मुद्दे को उठाया गया था और साफ तौर से कहा गया था कि अगर नहीं वो पासवर्ड देते हैं तो इसे तोड़ना होगा। ये तमाम चीजें कही गई थी। ईडी की तरफ से लगातार कहना था कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे। अब हालांकि उन्हें 15 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। वो अगले 15 दिन तक यानी 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। और साफ तौर से ईडी ने कह दिया है कि अभी रिमांड, ईडी की रिमांड की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे इस चीज की बात की जाएगी, अगर उन्हें ईडी हिरासत में लेना है या नहीं लेना है। इन चीजों के लिए अगली सुनवाई में संभवतः डिस्कशन किए जाएंगे। फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल से कोई पूछताछ नहीं होगी, केवल चार्जशीट वगैरह तैयार किया जाएगा, उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। वही अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर से कह दिया है, जब वो कोर्ट में जा रहे थे तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। वहीं जब उन्हें हिरासत में भेजा गया तो उन्होंने कुछ चीजों की मांग की है जेल में, जैसे कुछ किताबों को लेकर उन्होंने कहा है कि उनके साथ कुछ किताबें भेजी जाए। 3 किताबों का उन्होंने नाम लिया है, गीता, रामायण और नीरजा चौधरी ने जो किताब लिखी है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये 3 किताब को अपने साथ ले जाने की उन्होंने मांग की है। और साथ ही जो धार्मिक लॉकेट वो पहनते हैं उसे भी साथ जेल ले जाने की मांग की है, और साथ ही अपने डाइट, स्पेशल डाइट की भी मांग की है अरविंद केजरीवाल ने। अब देखना होगा कि क्या कुछ रहने वाला है अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल ईडी के लगातार कहना है ईडी का कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ईडी के साथ समन की बात हो जाए या फिर ईडी हिरासत में। अब देखने वाली बात होगी कि 15 अप्रैल को जब उनकी पेशी होती है तो क्या कुछ रहने वाला है। और खास बात जानने की यह है कि जब हाईकोर्ट में उनकी सुनवाई हुई थी तो हालांकि कल यानी 2 अप्रैल के लिए हाईकोर्ट ने ईडी से रिपोर्ट मांगा है इन तमाम मुद्दों को लेते हुए, तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रिपोर्ट ईडी के द्वारा
सबमिट किया जाता है हाईकोर्ट में और 3 अप्रैल को पेशी होने वाली है। तो देखते हैं कि हालांकि उन्हें पीएमएलए कोर्ट से तो कोई राहत नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को, अब देखने वाली बात होगी कि क्या हाईकोर्ट से उन्हें कुछ राहत मिलती है या उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती रहेंगी। जी साधना, बिल्कुल। देखिए अपराजिता, यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी हो जाती है कि जिस प्रकार से मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी इस बार ईडी ने सामने लिया है और विजय नायर का नाम भी जो है वो सामने लिया गया है। इससे पहले हम देख रहे थे कि सौरभ भारद्वाज और मंत्री आतिशी का नाम ईडी द्वारा नहीं लिया गया था, उस प्रकरण में आप क्या कुछ कहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं उनका नाम इस स्कैम में आता जा रहा है। जो कथित घोटाला है उनमें कई लीडर्स का नाम सामने आ रहा था। हमने पहले देखा था कि मनीष सिसोदिया का नाम आया, संजय सिंह का नाम आया और बिल्कुल जिसका आपने जिक्र किया नायर का नाम सामने आ रहा था, मनीष सिसोदिया, अब अरविंद केजरीवाल का खुद नाम सामने आ गया और बिल्कुल जैसा कि आपने जिक्र किया कि सौरभ भारद्वाज का भी नाम सामने आया, आतिशी का भी नाम सामने आया है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे समय में किन किन का नाम सामने आता है, क्या कुछ रहने वाली है, ईडी के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। तो इन 15 दिनों में देखना होगा कि जो चार्जशीट सबमिट की जाएगी ईडी के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज किया जाएगा, सभी चीजें होगी तो क्या कुछ रहने वाला है। 15 अप्रैल एक अहम दिन होने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया अरविंद केजरीवाल को, तो 15 अप्रैल को क्या कुछ राहत मिलेगी या ईडी के हाथों कुछ पुख्ता सबूत मिलेगी और अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो और बढ़ती हुई नजर आएगी या कुछ राहत उन्हें तब मिलेगी। जी बिल्कुल अपराजिता, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए अब 15 दिन तक वो जेल में रहेंगे। हालांकि ईडी की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसमें ये कहा गया है कि किसी प्रकार का सहयोग वो नहीं कर रहे हैं।